हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, नफरत फैलाने वालों के इरादे कामयाब नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल नीति, अमरनाथ यात्रा, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग, विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्विज कंपटीशन समेत कई विषयों का जिक्र किया। दोस्तों पीएम मोदी ने भारत में जल संकट पर बात करते हुए कहा कि जल संरक्षण लोगों के दिल को छूने वाला विषय है। पानी के विषय ने इन दिनों हिंदुस्तान के दिल को झकझोर दिया है। वहीं इसके अलावा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर के हालात और चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग संबंधी बातचीत की। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। 8 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को मिलेगा भारत रत्न, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। यहां दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के हाथों प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा समाज सेवी नाना जी देशमुख और मशहूर संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया विवादित बयान, कहा जो भी हाथ आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ को उठेगा वो हाथ ही नहीं जिस्म भी जलकर खाक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को आर्टिकल 35 ए को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आर्टिकल 35 ए के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है बारूद को हाथ लगाना। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो हाथ 35 ए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं पूरा जिस्म ही जलकर खाक हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों महबूबा मुफ्ती खुले तौर पर भारतीय सरकार और भारतीय सेना को चुनौती दे रही है कि अगर उन्होंने 35 ए पर कोई कदम उठाया तो उसके अंजाम बेहद ही खतरनाक साबित होंगे। दोस्तों महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। शरद पवार ने कहा बीजेपी ने पैसे के दम पर अल्पमत को बहुमत करना सिखाया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के गिरने और बीजेपी के सत्ता में आने से राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी प्रमुख शरद पवार काफी नाराज हैं। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद पवार ने कहा कि अल्पमत में होते हुए धन बल का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं, यह बीजेपी ने दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दल बदलने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया और उन्होंने दिखा दिया कि पैसों के दम पर भी सरकार बनाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में बढ़ाए जाएंगे 10,000 सुरक्षा बल, महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला को लग गई मिर्ची। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार आतंकवादियों को सबक सिखाने में तनिक भी ढील देने के मूड में नहीं है। राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने यहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के जम्मू कश्मीर दौरे से लौटते ही वहां 10,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का फैसला लिया गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ जवान जम्मू कश्मीर में पहुंचाए भी जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान मजबूत होगा। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को भी चाक चौबंद बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसी पर दोस्तों जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला को मिर्ची लग गई। सुरक्षा बलों की 100 कंपनियां तैनात करने के फैसले का महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कमी नहीं है, राजनीतिक समस्या को सैन्य तरीके से हल नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खूंखार आतंकी लादेन के मामले में इमरान खान का पकड़ा गया झूठ, पाकिस्तानी पूर्व सैन्य अधिकारी ने खोल दी पोल। जी हां दोस्तों, आतंकवादी गुट अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एटमाबाद में छिपे होने की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को नहीं थी। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष स्तर के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि
आईएसआई के पास ओसामा बिन लादेन के एटमाबाद में होने की जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान वाशिंगटन में कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी से CIA को ओसामा बिन लादेन के करीब पहुंचने में मदद मिली। दोस्तों, नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर सेवानिवृत्त अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान अपने रुख पर कायम है कि ISI को ओसामा के पाकिस्तान में होने की जानकारी नहीं थी। इमरान खान ने कहा कि ISI ने CIA को जानकारी दी, जिससे अमेरिका को 2011 में आतंकी गुट के सरगना का पता लगाने और उसे मारने में मदद मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे पता चल जाता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कितने बड़े झूठे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मौसम अलर्ट के रूप में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मौसम समाचार जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आपको दोस्तों अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना मत हमें जरूर दें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल है। और अगर आप लाइक डिसलाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या फिर आपको नापसंद है। तो दोस्तों बता देते हैं जल्दी से मौसम का हाल। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। 30 जुलाई तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में 30 जुलाई तक देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, रेड अलर्ट का मतलब होता है भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी और एक्शन लेने की जरूरत है, यानी कि बाढ़ या फिर किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहने की जरूरत है रेड अलर्ट के अंतर्गत। दोस्तों, मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में 3 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट है, वहीं राजस्थान में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में कोंकण एवं गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में बहुत भारी बारिश हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड यमन, तेलंगाना, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड एवं गंगाटेक, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विज्ञान विभाग ने व्यक्त की है। दोस्तों, आपके राज्य और जिले में अभी कैसी बारिश हो रही है, कमेंट करके अपने राज्य के बारिश का हाल जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चंद्रयान 2 को लेकर पाकिस्तानियों ने कहा, भारत से सीखने की जरूरत। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में भारत की इस उपलब्धि की सराहना की जा रही है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को भारत से सीख लेने की जरूरत है। लाहौर स्थित YouTube साना अहमजद की एक वीडियो में एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा कदम, प्रौद्योगिकी में वे हमेशा बहुत आगे हैं, पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। भारत ने 22 जुलाई को चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। चंद्रयान 2 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 अगस्त को चांद पर पहुंचेगा। दोस्तों, वीडियो में एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि हम इसकी सराहना करते हैं, हमें इससे सीखना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान के नागरिक तो सोचते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को भारत की तरह सोचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी अपने पुराने चीजों पर ही अड़ी हुई है, उसे तो बस आतंकवाद को ही बढ़ावा देना है। इसके बारे में दोस्तों आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खेल रत्न के लिए हरभजन सिंह और अर्जुन अवार्ड के लिए दूती चंद का नाम खारिज। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन अवार्ड के लिए धाविका दूती चंद और खेल रत्न के लिए टीम इंडिया के स्पिनर रहे हरभजन सिंह के नाम खारिज कर दिए गए हैं। खेल विभाग की ओर से इनके नाम देर से भेजे जाने के कारण खारिज किए गए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार इन दोनों खिलाड़ियों के नाम डेडलाइन मिस हो जाने के कारण खारिज कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ICICI को 1908 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। जी हां दोस्तों, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक ICICI बैंक ने शनिवार को बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 1908 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसे पिछले साल के मुकाबले 120 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। हालांकि दोस्तों, इस तिमाही में बैंक को
काफी प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लगातार चौथे दिन पेट्रोल हुआ सस्ता, डीजल के भाव रहे स्थिर। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमत में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डीजल की कीमत पिछले 3 दिनों से स्थिर है। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल करीब 30 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। दोस्तों बात करें आज 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की दिल्ली में कीमतों की, तो दोस्तों आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 73.14 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 66.18 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मोबाइल यूजर सावधान, आपका पूरा स्मार्टफोन स्कैन कर सकता है यह वायरस। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप मोबाइल फोन खासकर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक ऐसे वायरस को तलाशा गया है जो आपके स्मार्टफोन को चुपके से पूरी तरह स्कैन कर लेता है। इसकी आपको खबर तक नहीं लगती है। आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल ऐप में छिपा मोनोक्ली नाम का यह मालवेयर फोन पर आपके द्वारा की जा रही हर एक्टिविटी को अच्छी तरह खंगालता है। दोस्तों BGR की खबर के मुताबिक एक मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी ने एंड्रॉइड मालवेयर को ढूंढा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह न सिर्फ वायरस है बल्कि कस्टम एंड्रॉइड टूल है। रिसर्च करने वालों का कहना है कि मोनोक्ली वायरस रिमोट एक्सेस टेरोजन फंक्शनलिटी और स्पेसिफिकेट सर्किट इंस्टॉल कर यूजर्स का डेटा एक्सेस कर लेता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में आएगी बड़ी कमी, सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों GST काउंसिल ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक कारों पर लगने वाले कर की दर को 12% से घटाकर 7% कर दिया है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कारों के दाम में अच्छी खासी कमी देखी जाएगी। कर में ये कमी 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक कार खरीदना तो आपके लिए है सुनहरा मौका। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेप्सी को इस राज्य में निवेश करेगी 514 करोड़ रुपए, 1,500 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स आदि बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको इंडिया ने उत्तर प्रदेश में 514 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 2 में फूड एंड बेवरेज कंपनी पेप्सिको इंडिया ने कहा कि उसने UP में ग्रीनफील्ड स्नैक्स विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अगले 3 वर्षों में 514 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। इससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1500 से ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हर 8 मिनट में एक बच्चा हो रहा है लापता, 5 सालों में दिल्ली से 41,000 बच्चे हो गए गायब। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों एक समस्या हर दिन बड़ी होती जा रही है। समस्या भी ऐसी है कि इसकी चपेट में आने वाले परिवार का पूरा जीवन ही दुख में डूब जाता है। दोस्तों यह समस्या है बच्चों के लापता होने की। दोस्तों आंकड़ों की बात करें तो देश में हर 8वें मिनट एक बच्चा लापता हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंतराल में 180 माओं की गोद से उनके बच्चे छीने जा रहे हैं और इन्हें बिलखता हुआ छोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हाल बेहाल है। केवल 5 साल यानी कि 2012 से 2017 के अंतराल में सुरक्षा का दम भरने वाली राष्ट्रीय राजधानी में 41,394 बच्चे गायब हो गए। कांग्रेस के नेता सुब्बा रामा रेड्डी ने इस समस्या को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खुद लाएंगे अगर LPG सिलेंडर तो एजेंसी देगी आपको 19.5 रुपए। जी हाँ दोस्तों, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना में सभी को चूल्हा छोड़कर गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें इसके नियम भी नहीं पता होंगे। ऐसा ही एक नियम है दोस्तों, अगर कोई गैस एजेंसी आपको सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं देती तो आपको सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी गोडाउन जाना पड़ेगा। ऐसे में आप उस गैस एजेंसी से एक तय राशि ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई गैस एजेंसी वाला मना नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हर एजेंसी वाला आपसे 19.50 रुपए गैस सिलेंडर पर ज्यादा वसूल करता है क्योंकि वह आपको होम डिलीवरी देता है। लेकिन अगर कोई एजेंसी वाला आपको होम डिलीवरी नहीं देता है तो आप उसे 19.5 रुपए वापस ले सकते हैं और इसके लिए वह आपको मना भी नहीं कर सकता। और अगर एजेंसी संचालक यह राशि देने से मना कर देता है तो दोस्तों आप टोल फ्री नंबर 1800 2
33355 पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय किसान कौन कौन सी फसल के लिए बारिश पर निर्भर रहता है? जी हां दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन कौन सी फसलें हैं जो कि बारिश का मौसम, जिसे कि सावन या फिर चौमासा भी कहा जाता है, उस मौसम में उगाई जाती है। ऐसी फसलों के अगर आप नाम जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चुने हुए भाग्यशाली विजेताओं को हमारे YouTube चैनल की ओर से मिलेगा अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की काम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।